हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बनाएंगे एक फेस ट्रैकिंग का ट्यूटोरियल। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से हम जो है फेस ट्रैकिंग कर सकते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। और क्योंकि ये जो एक प्रोजेक्ट है, मैं घोस्ट राइडर का जो प्रोजेक्ट उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, तो ये उसी का एक प्रोजेक्ट फाइल है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हम हमारा जो हेड है उसको कैसे एक 3D स्कल्प जो है उस पर उसको चेंज करें। तो फेस ट्रैकिंग करना है और हमारे फेस की जगह में जो 3D स्कल्प जैसे मैंने लगाया है, आप चाहे तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए कि हम आयरन मैन का प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं और हमें आयरन मैन का हेड अगर लगाना है तो वो चीज़ किससे लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दो चीज़ों की ज़रूरत है, आपके कंप्यूटर में एडोबी आफ्टर इफेक्ट और एलिमेंट 3D जो है ये ज़रूरी है, ये दो चीज़ होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है मैंने मेरा वीडियो जो है वो देख लीजिए, मैंने किस तरह से यहाँ अपना फेस को ट्रैक करके इस जगह में जो है मैंने 3D स्कल्प को लगाया है ताकि मैं जो इसमें घोस्ट राइडर का इफेक्ट वो बना सकूँ। ये मेरा नॉर्मल वीडियो फुटेज है, तो इसमें मैंने जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने ट्रिम कर लिया है, कट कर लिया है। तो इस तरह से मैंने जो है ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया है ताकि बैकग्राउंड में मैं कुछ भी लगा सकूँ। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहला जो काम है वो है हमारा फेस को ट्रैकिंग करना। तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट में कैसे हम ट्रैकिंग करेंगे, सबसे पहले हम हमारा जो सेंटर फेस है वो देख लेते हैं कहाँ है ये। तो ये पोजीशन, ठीक है, इस पोजीशन में मैंने लेके आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमारा जो ऊपर वाला, इसको मैंने ऑलरेडी डुप्लीकेट बना के रखा है, तो एक डुप्लीकेट आप बना के रखिए ताकि जो है आने वाले टाइम में जैसे कि और भी कुछ चीज़ों में काम आ सके। तो हमेशा जो है एक आपका उसको डुप्लीकेट करके रखिए ताकि अगर किसी वजह से अगर आपका ये फाइल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ये काम आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ये जो फाइल है इसको डुप्लीकेट बना के रखा है, तो इसका आई बटन जो है मैं बंद करके रखता हूँ। और इस वाले ऊपर वाले लेयर को जो है मैं सिलेक्ट करने के बाद में ये हमारा जो फेस का सेंटर पॉइंट आ गया है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से इस वाले टूल्स में जाना है। तो फिलहाल ये जो है रेक्टेंगल टूल है और इसमें यहाँ इस वाले एरो बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है। इलिप्स टूल लेने के बाद में हम क्या करेंगे, हमारे फेस में एक मास्क क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस तरह से एक मास्क लेता हूँ जो हमारे फेस को इस तरह से कर ले, थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मैं। और इसके बाद में हम पूरा जो लेयर है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको जो है, तो इसको जो है इस तरह से हमारा फेस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा फेस जो है वो सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद में हमको क्या करना है, इस वाला जो मास्क आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे हमारे माउस पे हमको राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर ट्रैक मास्क का ऑप्शन आएगा, इसको हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो राइट साइड का कंट्रोल पैनल है, यहाँ पर एक ट्रैकर का बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हमारा जो टाइमलाइन है, क्योंकि हमने यहाँ लगभग हमारा टाइमलाइन मतलब स्टार्टिंग में नहीं है, 20 से है, तो यहाँ से हमको ट्रैक करना है बैकवर्ड में। यहाँ से पीछे की तरफ हमारा जो फेस है वो ट्रैक करेगा और उसके बाद में फॉरवर्ड में हमको ट्रैकिंग करना है। ठीक है, तो ये ट्रैकिंग कंप्लीट मैंने कर चुका हूँ। तो आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, हम यहाँ पर या तो एक एक क्लिक करके हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक एक फ्रेम ट्रैक होगा, या फिर आप यहाँ पर बैकवर्ड में सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा जो है बैकवर्ड में आपको ट्रैक करना चालू हो जाएगा। ये तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैकिंग हमारा चालू हो गया है। और उसके बाद में जब आपका बैकवर्ड कंप्लीट हो जाए तो फिर से यहाँ से उस पोजीशन में लेके आ जाओ जहाँ से हमारा ट्रैकिंग हमने पहले से शुरू किया था, जैसे कि ये वाला पोजीशन, ये पोजीशन। और इसके बाद में आपको जो है यहाँ से फॉरवर्ड में ट्रैकिंग कर देना है, यानी कि आपको जो है यहाँ पर ट्रैकिंग कंप्लीट कर देना है। तो ये प्रोसेस जो है मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये वो वीडियो है, चलिए इसको मैं यहाँ से इसका आई बटन को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वो वीडियो है जिसमें मैंने ट्रैकिंग कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में जाऊँ तो ये है मेरा फेस ट्रैकिंग। जैसे कि ये वीडियो में अगर देखें तो ये फेस ट्रैकिंग है, हालांकि मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है, मगर जो नीचे वाला लेयर है इसमें मैंने ट्रैकिंग कंप्लीट किया है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से जो है आपका ट्रैक पॉइंट बन जाएगा।
फेस का ट्रैक पॉइंट बन जाएगा। अब यहाँ से हमको जो है एक ट्रैकर सिलेक्ट करना है जो हमारा फेस का ट्रैकर जो है सेंटर पॉइंट रहे। तो यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट को हमको लेना है, इसको हमको एक नल में सारा जो डेटा है ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लेयर में न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट, तो नल हमको ले लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों हमको क्या करना है, हमारा जो ये वाला ट्रैकिंग वाला लेयर है जिस पे हमने ट्रैक किया है, हमारे कीबोर्ड पे हमको प्रेस करना है यू। यू जैसे ही प्रेस करेंगे हमको यहाँ पर हमारा जितना भी ट्रैकिंग डेटा है सब आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट आए है ना, आए जितने भी ट्रैकिंग पॉइंट है ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको जो है, हमको ये वाला पॉइंट जो है इसको हमको ढूंढना है, ये वाला कहाँ है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा नॉइज़ ब्रिज, ठीक है। नॉइज़ ब्रिज ये जो है ये उसका ट्रैक पॉइंट है। तो नॉइज़ ब्रिज को जो है इसको हमको सिलेक्ट करना है और इसको हमको कॉपी करना है। तो कॉपी हम कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर एडिट में जाके भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो इसको हमने कॉपी कर दिया। इसके बाद में दोस्तों हम जाएंगे हमारे नल पे और यहाँ पर हम पी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो है नल का पी ऑप्शन पोजीशन हमको आ गया। अब पोजीशन को हमको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर सकते हैं या फिर एडिट में जाके भी यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो नल है ये ट्रैक हो चुका है, मतलब यहाँ पर सारा डेटा जो है पेस्ट हो चुका है। मगर इससे पहले एक चीज़ जो है मैंने गलती कर दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम कंट्रोल जेड करके इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अपना जो टाइमलाइन है हमने यहीं पे छोड़ दिया, तो हम हमारा जो टाइमलाइन है इसको ले लेंगे सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, हमारा टाइमलाइन जो है सबसे स्टार्टिंग में आना चाहिए। इसके बाद हम पी पे प्रेस करेंगे, पी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल वी दबा के मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों हमारा यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्रैकिंग पॉइंट है वो यहाँ पर एग्जैक्ट उस जगह पे बन चुका है नल, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो ट्रैकिंग पॉइंट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है 3D कर देंगे। तो ये 3D नल बन चुका है, 3D हो चुका है। तो यहाँ पर हमने जो है पहला स्टेप हमारा हो चुका है कम्प्लीट। हमने जो है हमारा फेस को जो है हमने ट्रैक का करके एक नल बना लिया है, ट्रैक नल, ठीक है। और इसको हमने 3D कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद में दोस्तों हमको करना ये है कि हमारा जो फेस है उसको परफेक्ट ट्रैक हो रहा है या नहीं, मतलब 3D अगर हम ऑब्जेक्ट इसमें सेट करेंगे तो सही पोजीशन में रहेगा या नहीं, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये एक स्टेप है। तो हम जाएंगे लेयर में, यहाँ से जाएंगे न्यू और हम लेंगे एक लाइट। लाइट हमारा रहेगा स्पॉटलाइट, ठीक है। इंटेंसिटी हमको 0 कर देना है, इंटेंसिटी का काम नहीं है हमारा यहाँ, तो हम इसको 0 कर देंगे। और कोण एंगल जो है ये हम रख सकते हैं लगभग 20-25, तो चलिए मैं 20 रख देता हूँ। और क्लोन फेदर ये सब की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम जो है नाम देंगे, तो इसको हमने जो है नाम दे दिया सेंटर हेडलाइट, इसको हम कर देंगे ओके। तो ये हमारा हेडलाइट मतलब एक स्पॉटलाइट क्रिएट हो गया। अब इसको हमको यहाँ पर एग्जैक्ट जो पोजीशन है यहाँ पर इसको पेरेंट करना है। और इसके बाद देखेंगे जो हमारा लाइट है वो हमारे फेस को 3D रोटेशन या 3D एंगल में सही तरीके से ट्रैक की जगह में सही काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है जो हमको यूज़ करना है, वो ट्रिक ये है कि हम फिर से जाएंगे एक न्यू में लेयर और इस बार हम जो है लेंगे एक सॉलिड और सॉलिड का साइज़ जो हम रखेंगे 100:100। तो इसको मैं 100 और इसको हम करेंगे 100 100:100 पिक्सल, ठीक है। और इसको कर देंगे हम ओके। अब इसके बाद में इसको हमको हमारे फेस के सेंटर में लेना है और इस वाले पॉइंट को इस तरह से स्ट्रेच करना है।
और हमारा फेस को जो है उसको हमको कवर करना है, देखना है कि हमारा जो फेस है उसका जो मतलब कितना उसका चौड़ाई है, ठीक है। तो हम कानों को छोड़ देंगे, सिर्फ फेस तक का हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है, हमारा फेस का जो चौड़ाई है वो हमको मेजर करना है, ये एक ट्रिक है। अब इसके बाद में इस जो सॉलिड है इसको हम करेंगे प्रेस पी। अब यहाँ पर पोजीशन में ये वाला जो वैल्यू है इसको हमको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय टू करेंगे। तो इसको मैं डिवाइड बाय टू, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे एंटर। तो ये जो हमारा रिजल्ट है इसको हमको करना है कॉपी, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं कॉपी। और इसके बाद में जो हमारा लाइट है, ठीक है, लाइट का इसको भी हम करेंगे पी प्रेस। उसके बाद में ये जो पोजिशन उसका जो जी स्पेस है, आखिरी वाला पॉइंट है, इसको हमको क्लियर करके इसमें हमको कर देना है पेस्ट। तो ये हमारा जेट पॉइंट क्रिएट हो चुका है, इसको हम कर देंगे एंटर। और इसके बाद में हमको क्या करना है, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हमको पेरेंट करना है किसके साथ में, हमारा नल के पोजीशन में। तो इसको थोड़ा सा मैं जो है स्ट्रेच कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, तो आपके आपको समझ में आए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे, इस पर क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, और की फ्रेम जो है यहाँ पर की का सिंबल है इसको हमको क्लिक करना है। तो ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट को हमको क्लिक करके यहाँ से लेके हमको पोजीशन में ड्रॉप कर देना है। अब इस लाइट को जो है हम इस जगह में सेंटर कर देते हैं। अब दोस्तों हम अगर हमारे इसको इस तरह से हम अगर टाइमलाइन को देखें तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो फेस को है किस तरह से ट्रैक कर रहा है। तो ये हमारा जो है ट्रैकिंग, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ट्रैकिंग जो है वो परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम क्लोज़ कर देंगे।